भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। यहाँ दूर दूर तक फैला थार का रेगिस्तान है। यहाँ बारिश सबसे कम होती है और गर्मी सबसे ज्यादा, इसीलिए इस क्षेत्र का जीवन भी सबसे अलग है। चाहे कृषि प्रजातियां हों अथवा पशु प्रजातियां, कम बारिश और लगातार अकाल के कारण यहाँ कृषि पर निर्भरता भी कम है, इसलिए पशुपालन यहाँ के जीवन का मुख्य आधार है और ऊंट के अलावा भेड़ यहाँ पशुधन का मुख्य हिस्सा हैं। भेड़ों में विभिन्न आयामों पर अनुसंधान करने के लिए भारत सरकार ने सन 1962 में केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान की स्थापना की। मालपुरा में स्थापित ये संस्थान एशिया का प्रमुख संस्थान है। 1510 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले इस संस्थान के देश में 3 उपकेंद्र भी हैं। पहला उपकेंद्र 1963 में हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में उत्तरी शीतोष्ण क्षेत्रीय केंद्र के नाम से, दूसरा सन 1965 में तमिलनाडु के कोडाई कैनाल में दक्षिण क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र के नाम से, तथा तीसरा सन 1974 में बीकानेर में मरुक्षेत्रीय परिसर के नाम से स्थापित किए गए। ये संस्थान भेड़ और खरगोश के उत्पादन की सभी मूलभूत और व्यावहारिक तकनीकों पर शोध करता है। इसके साथ ही मांस, तंतु और खाल की तकनीक का विकास कर उसका प्रमाणीकरण, भेड़ और खरगोश उत्पादन तथा उपयोगिता पर प्रशिक्षण, विकसित तकनीकियों को किसानों, शिल्पकारों और विकास कार्यकर्ताओं तक पहुंचाना तथा इसके संबंध में विशेषज्ञ और परामर्शदात्री सेवाएं देता है। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान ने अनेक महत्वपूर्ण तकनीकें विकसित करने में सफलता हासिल की है। इसमें मांस के लिए मेमना उत्पादन तकनीक, ऊन तथा ऊंट के बालों के मिश्रण से तैयार ऊनी उत्पाद और हस्त निर्मित नमदे, भेड़ों के लिए उपयुक्त स्वास्थ्य प्रबंध, पशुधन फार्म के लिए बीमारियों के आंकड़ों की सूचना पद्धति, तरल हिमीकृत वीर्य द्वारा भेड़ों में कृत्रिम गर्भाधान, अधिक चारा उत्पादन के लिए वन चारागाह विकास, कम गुणवत्ता वाले भूसे का यूरिया उपचार द्वारा परिपूर्णन तथा मोटे चारे और दाने के मिश्रण से संपूर्ण आहार वट्टिका का विकास करना मुख्य उपलब्धियां हैं। संस्थान में शोध कार्य के लिए कई विभाग हैं। इनमें पशु अनुवांशिकी एवं प्रजनन विभाग, शरीर क्रिया एवं जीव रसायन विभाग, पशु पोषण विभाग, पशु स्वास्थ्य विभाग, ऊन प्रौद्योगिकी विभाग, खरगोश पालन विभाग, मांस विज्ञान विभाग तथा तकनीकी स्थानांतरण एवं सामाजिक विज्ञान विभाग प्रमुख हैं। पशु अनुवांशिकी एवं प्रजनन विभाग ने शुरू में विदेशी नस्लों के साथ संकर प्रजनन द्वारा अविकालीन, अविवस्त्र, अविमांस तथा भारत मेरिनो नस्लों का विकास किया। बाद में संस्थान ने देसी नस्लों जैसे मालपुरा, मारवाड़ी, चोकला तथा मगरा नस्लों को चयनात्मक विधि से संवर्धित किया। भेड़ों में बहुप्रसूता के लिए गिरौल और मालपुरा नस्लों को मिलाकर, जो मांस उत्पादन को बढ़ाने में सहायक है। शरीर क्रिया एवं जीव रसायन विभाग ने मेड़ों के वीर्य को संरक्षित करने के लिए हिमीकृत प्रोटोकॉल विकसित किया। भेड़ों की नस्ल सुधार के लिए तरल वीर्य द्वारा कृत्रिम गर्भाधान पद्धति तथा भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक का विकास किया है। भेड़ों को एक साथ मद में लाने के लिए स्वदेशी स्पंज विकसित किए हैं। अर्धशुष्क जलवायु में विभिन्न भेड़ नस्लों की अनुकूलता पर शोध किए गए। पशु पोषण विभाग ने सघन खिलाई पिलाई पद्धति द्वारा मेमनों के पालन में महत्वपूर्ण कार्य किया है। प्राकृतिक आपदा अथवा सूखे की स्थिति में भेड़ों के पोषण के लिए संपूर्ण आहार वट्टिका तैयार की है। भेड़ों की शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए क्षेत्र आधारित खनिज मिश्रण तैयार किया है। इसके अलावा सूखा चारा, अनाज, मूंगफली तथा तिल की खली, खनिज मिश्रण और नमक मिलाकर ऐसा पौष्टिक आहार विकसित किया है
जो किसानों को दोगुना लाभ दिला सकता है। चारा एवं चारागाह विभाग ने पशु चारे के विकास की पद्धतियां विकसित की हैं। इसमें कृषि वानिकी, वन चारागाह और उद्यान चारागाह प्रमुख हैं। त्रिस्तरीय कृषि वानिकी पद्धति में खेजड़ी और अड़ू के पेड़ों के साथ साथ दोनों ओर सेवन और अंजन घास के साथ फसल लगाई जाए तथा बीच में चारा झाड़ियां लगाई जाएं। इससे अधिकतम अनाज, चारा और ईंधन लकड़ी एक साथ प्राप्त की जा सकती है। ये पद्धति पशुपालन को सुदृढ़ करके किसान की आय को सुनिश्चित करती है। पशु स्वास्थ्य विभाग रोगों का निदान और रोकथाम के उपायों को विकसित करके रेवड़ में मृत्यु दर में कमी करने का काम करता है। विभाग ने बीमारियों के आंकड़े को कंप्यूटर पर व्यवस्थित करके सूचना तंत्र का विकास तथा रेवड़ के लिए सुनियोजित वार्षिक भेड़ स्वास्थ्य कैलेंडर तैयार किया है। विभाग के अनुसंधान के आधार पर भेड़ों को साल में 4 बार अंतः कृमिनाशक दवा पिलाने के स्थान पर 1 बार ही दवा पिलाकर अनावश्यक खर्च को कम किया। भेड़ों में अंतःकृमियों के नियंत्रण के लिए एनीमिया चार्ट तथा चयन पद्धति द्वारा अनुवांशिकी प्रतिरोधकता का विकास किया है। पशु स्वास्थ्य कार्यक्रम द्वारा रेवड़ में वार्षिक मृत्यु दर 20% से घटाकर 5% करने में सफलता हासिल की है। ऊन प्रौद्योगिकी विभाग ऊन की गुणवत्ता एवं मूल्य संवर्धन बढ़ाने के लिए कार्य करता है। विभाग ने मगरा और मारवाड़ी भेड़ से प्राप्त ऊन द्वारा उच्च गुणवत्ता वाला हस्तनिर्मित कालीन बनाने में सफलता हासिल की है। इसके अलावा भारत मैरिनो तथा अंगोरा रेशों को मिलाकर उच्च गुणवत्ता के शॉल बनाने की तकनीक को विकसित कर व्यावसायिक उत्पादन के लिए हस्तांतरित किया गया है। साथ ही ऊन के अन्य उत्पाद जैसे कंबल, फेल्ट के निर्माण एवं वनस्पति रंगों के उपयोग पर शोध किया जा रहा है। संस्थान में खरगोश के मांस, खाल तथा ऊन के उत्पादों को विकसित कर खरगोश पालन को अधिक लाभदायी व्यवसाय बनाया जा रहा है। खरगोश की खाल से टोपी, दस्ताने, पर्स, जैकेट जैसे उत्पाद बनाए जाते हैं। दूध तथा मांस वृद्धि के लिए सिरोही नस्ल की बकरियों पर भी शोध किए जा रहे हैं। मांस विज्ञान विभाग भेड़ों में शरीर के विभिन्न हिस्सों के मांस की गुणवत्ता का आंकलन करता है। साथ ही इस विभाग में मांस के मूल्य संवर्धन के लिए नए स्वादिष्ट उत्पाद बनाने पर शोध किया जाता है। तकनीकी हस्तांतरण एवं सामाजिक विज्ञान विभाग संस्थान द्वारा विकसित की गई विभिन्न तकनीकियों को भेड़ पालकों तक पहुंचाता है। इसके लिए संस्थान अंगीकृत गांवों में भेड़ पालकों को उन्नत मेड़े उपलब्ध कराता है। गांवों में शिविर, संगोष्ठी, प्रशिक्षण और अन्य प्रचार माध्यमों द्वारा नई तकनीक की जानकारी दी जाती है। भेड़ पालकों के जीवन स्तर पर इसके प्रभाव का अध्ययन करता है। ये विभाग देश भर में लगने वाले विभिन्न कृषि एवं पशु मेलों में प्रदर्शनी भी लगाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के तत्वाधान, यह केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविकानगर 1962 में यहाँ स्थापित किया गया। इसकी स्थापना का उद्देश्य देश में सभी भेड़ों के सर्वांगीण विकास के लिए, उस पर शोध के लिए, कैसे भेड़ों से अधिक ऊन और मांस प्राप्त किया जाए, कैसे इनके ऊन और मांस से अलग अलग उत्पाद बनाए जाएं, कैसे भेड़ पालकों की आमदनी बढ़ाई जाए, इन सब को ध्यान में रखते हुए यह संस्थान लगातार 1962 से काम कर रहा है। इसमें भेड़ों के ऊपर बहुत से अनुसंधान किए गए हैं। संस्थान ने समय और किसानों की, भेड़ पालकों की आवश्यकताओं को देखते हुए बहुत सी तकनीकों को विकसित किया है। इसमें बहुत सी नस्लें जो संस्थान द्वारा विकसित की गई हैं, जैसे भारत मेरिनो, अविशान, अविकालीन, अविमास, ये सब नस्लें किसानों के लिए अच्छी ऊन उत्पादक
और अच्छी शारीरिक ग्रोथ के लिए उत्पन्न की गई हैं, विकसित की गई हैं। इसके अतिरिक्त भेड़ों को क्या और कब खिलाया जाए, बहुत से पोषण संबंधित अनुसंधान यहाँ पर किए गए हैं। इसके अतिरिक्त पशु शारीरिकी विभाग ने एक स्पंज टेक्नोलॉजी बनाई है, जिसमें हम मार्केट को देखते हुए लगातार मार्केट की आवश्यकता के अनुसार एक साथ कैसे बच्चे लें, जिसमें एक साथ भेड़ों के सारे बच्चे आ जाते हैं। इसको हम स्ट्रेस सिंक्रोनाइजेशन बोलते हैं। इसके मदद से हम काफ़ी बच्चे एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम कृत्रिम गर्भाधान में भेड़ों को कैसे नस्ल सुधार किया जाए, इस पर कार्य कर रहे हैं। देश के सभी भेड़ पालक से संबंधित वेटनरी डॉक्टर्स या वैज्ञानिकों को यहाँ हमारे संस्थान द्वारा कृत्रिम गर्भाधान में भेड़ों में कैसे कराया जाए, उसका प्रशिक्षण संस्थान द्वारा लगातार दिया जाता रहा है। इसके अतिरिक्त हम लोग TMTC में या मीट साइंस में ऊन और मांस पर जो विभिन्न उत्पाद वैल्यू एडिशन से कैसे किसानों को, भेड़ पालकों को अधिक आय मिले, इस पर हम शोध कार्य कर रहे हैं। हमारे पशु स्वास्थ्य विभाग है, वहाँ पर भी बहुत से अनुसंधान कार्य हुए हैं। उन्होंने एक अच्छा वार्षिक स्वास्थ्य कैलेंडर बनाया है, उसको अपनाकर भेड़ पालक, हम संस्थान ही नहीं बल्कि भेड़ पालक भी उसको अपनाकर मृत्यु दर, रेवड़ में मृत्यु दर काफ़ी हद तक हमने कम किया है। पहले मृत्यु दर जो कि 20% तक रहता था रेवड़ में, आज इस हेल्थ कैलेंडर को अपनाकर 2-5% तक ही रह गया। इससे 15-18% रेवड़ में नए बच्चों को या पशुओं को बचाया जा सकता है और अतिरिक्त आमदनी को प्राप्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त हम संस्थान में भेड़ और किसानों के लिए बहुत सी परियोजनाएं संस्थान द्वारा चलाई जा रही हैं, जिसमें सीधे तौर से हम फार्मर से, भेड़ पालकों से जुड़े हुए हैं। जैसे मेगा सीप सीड है, फार्मर फर्स्ट है, SC ST जो हमारे अनुसूचित जाति के जो किसान हैं, भेड़ पालक हैं, उनके लिए भी एक योजना भारत सरकार की है। हमारे संस्थान द्वारा उन किसानों का भी उत्थान का कार्य संस्थान द्वारा किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त मेरा गांव मेरा गौरव एक परियोजना है जो भारत सरकार की है, उसको भी हम लोगों ने यहाँ पे लगभग 40 गांवों में इस परियोजना को चला रखा है, जिसमें हम मुख्य रूप से भेड़, खरगोश और बकरी पालन कैसे करें, क्या क्या नस्लें रखें, कैसे उनका अधिक उत्पादन करें और कैसे किसानों की आय बढ़ाई जा सकती है। यह संस्थान भेड़ों की, भेड़ पालकों की आमदनी बढ़ाने में बहुत ही सहायक है तथा देश की बढ़ती हुई मांस की, ऊन की मांग को पूर्ण करने में अपना योगदान दे रहा। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान ने अपने सतत प्रयासों से भेड़ उत्पादन तकनीक के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संस्थान ने नई नस्लें और तकनीक विकसित की है। उसका प्रभाव राजस्थान के पशुपालन परिदृश्य पर स्पष्ट देखा जा सकता है। संस्थान के प्रयासों का सफर अभी जारी है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें डायरेक्टर, सेंट्रल शीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, अविका नगर, 30501, राजस्थान, फोन 9114372201, फैक्स 9114372201, ईमेल cswriavikanagar@yahoo.com, वेबसाइट www.cswri.res.in, ग्राम शीप इंस्ट मालपुरा।